हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ए बी रॉक्स टीम्स। तो यहाँ पर लीग वन का मैच होने वाला है बीआरटी वर्सेस लेंस के बीच, और इस बार लीग वन के अंदर एक अच्छी शुरुआत कल के मैच पे देखी गई। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है मैसी ने अपने गोल्स का लीग वन के अंदर अपना एक ग्रेट कमबैक किया, तो मैं उस बात से बहुत खुश हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे मैच हमारे अच्छे जाने चाहिए अपकमिंग। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है हर बार की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बी अवेयर फ्रॉम फेक चैनल भाई, किसी उल्टे सीधे मेरे नाम के चैनल में मत जुड़ जाना, फिर बाद में मुझे बोलोगे कि भाई हमसे क्या हो गया। इसलिए मेरा यही ओपन चैनल है, लिंक है नीचे, लिंक पर जुड़ो ना, डायरेक्ट सर्च क्यों करते हो, नीचे जब लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ से जुड़ा करो। तो गाइज, हम इस वीडियो के अंदर किसी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ठीक है, आपको पहले ही दिया, तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं इस मैच की, लेंस जो टीम है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ एंड रैंकिंग के अंदर हर बार पोजीशन ऊपर में ही दिखाई देती है। इस नज़रिए से अगर हम देखें तो यहाँ पर बीआरटी टीम को हम फेवर में नहीं ले रहे, बट गोलकीपर मैं उनके साथ ही हूँ, बिजॉर्ट को लूँगा, क्योंकि ओपोनेंट टीम के पास एक अपॉर्चुनिटी है अच्छे स्ट्राइकिंग और अच्छे मिडफील्डिंग की, दैट्स वाई गोलकीपर हमें ऑपोजिट टीम का लेना पड़ेगा। एंड आगे से बात करूँ डिफेंडर की, यहाँ पर एक प्लेयर है सी डेक्योर। अभी ये प्लेयर आपको लग रहे होंगे कि मैंने शुरू के तीन प्लेयर उठा लिए, लेकिन इनके पीछे का रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सी डेक्योर और नीचे से एक प्लेयर है के डेंसो। डेंसो ने जबकि मैच खेला था एक सब्स्टिट्यूशन के तौर पे, अगर ये नहीं खेलता तो मैं ड्रॉप कर दूंगा इसका। अभी मैंने आपको सेव एंड वेट बोला हुआ है, ठीक है। और जो सी डेक्योर है उसको मैं ज़रूर लूँगा। बीआरटी का मैंने एक मेन मिडफील्डर छोड़ के ट्राई कर लिया, यहाँ से मैंने एक डिफेंडर जिसका नाम है रोनल्ड पियर गैब्रियल, खास नहीं है बट वी हैव टू ट्राई। एंड आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर, तो यहाँ पे डी मचादो को लूँगा, डेवियर मचादो को यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। एक्चुअली 8 क्रेडिट थे मेरे पास, तो मैंने सोचा जो भी प्लेयर लूँगा लेंस टीम का ही डिफेंडर लूँगा, तो मेरे को अच्छा हुआ भाई प्लेयर मिल गया ये। एंड इसकी जगह एक और भी था जिसका नाम है सी वू, बट मैं वू को ट्राई नहीं कर रहा, क्रिस्टोफर वू को जब भी ट्राई करता हूँ मेरे साथ अच्छा नहीं होता। एंड आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, तो यहाँ पे रोमन फेवर जो कि इस पिछले मैच में पेरिस एंड जर्मन को, इस बंदे ने 2 असिस्ट की थी। अगर मैं आपको सही सही बात बताऊं तो बीआरटी टीम का ये पेनल्टी टेकर भी, एंड आर डेल कैस्टिलो ने काफ़ी दिनों से मैच खेला नहीं, खेलेगा तो लेने की सोचेंगे, अभी तो मैं नहीं ले रहा गाइस। अभी तो मैंने जेक क्लॉस, और नीचे से एक प्लेयर है इनका पी फ्रेंकोस्की। जब भी ये टीम अगर 3 से या 4 से अधिक गोल करती है तो मिडफील्डिंग में इसका जोर तगड़ा नज़र दिखाई नज़र आता है। फोफाना को अभी मैं नहीं ले रहा। एंड आगे से बात करें स्ट्राइकर की, विस्ली सेड अच्छी फॉर्म में, उसी के साथ साथ एक प्लेयर है एरनॉड को कैप्टन तो नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं आपको बता दूँ जब इनका लास्ट मैच, मैं आपको बताता हूँ जो हुआ था, इनका एक लास्ट मैच बीआरटी के खिलाफ हुआ था 1 अगस्त 2021 को, जो कि सेम टीम आमने सामना कर रही है, जबकि बीआरटी के पास भी इनका खास रिकॉर्ड है नहीं ओपोनेंट टीम का। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेयर को लेने की सोची, इसका नाम एस मोनी ने पेरिस सेंट जर्मन को गोल लगाया, और जो टीम पेरिस सेंट जर्मन को गोल लगा सकती है उसका स्ट्राइकर हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ये हो गया, ये भी सब लेंगे। डब्ल्यू सेट को शायद कोई ना ले, लेकिन डब्ल्यू सेट वॉज माई कैप्टन। मैं उल्टे सीधे रिस्क लेता रहता हूँ, लेकिन वो तब पता चलता है जब वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस से पहले जज नहीं करना चाहिए। तो डब्ल्यू सेट वॉज माई कैप्टन, वाइस कैप्टन है क्लॉस, क्योंकि मुझे भरोसा है और मैं कभी भी भरोसेमंद प्लेयर को छोड़ता नहीं हूँ, तो मेरे को डब्ल्यू सेट पे भरोसा रहेगा, ठीक है, भले जो मर्जी हो, गोल करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन मेरा भरोसा पूरा है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।